वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। है फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर होता है उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है, हम लोग फ़ारेनहाइट में इसको कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड है सेंटीग्रेड में करते हैं, यानी कि सेल्सियस में करते हैं। तो हमारे ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, CHO में या फिर NORSET में इससे क्वेश्चन आते हैं कि कितना सेंटीग्रेड को हम लोग कितने फ़ारेनहाइट कहते हैं और कितने फ़ारेनहाइट को कितने सेंटीग्रेड कहते हैं। इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं कि किस तरह से चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कितने फ़ारेनहाइट को कितने सेंटीग्रेड कहते हैं, जाके जब हम पायरेक्सिया हो गया या फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हमें पेशेंट का नॉर्मली हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो फर्स्ट है वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, सेकेंड है सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में टेम्परेचर है। तो 95 फ़ारेनहाइट को 35 डिग्री सेल्सियस हम लोग इंडिकेट करते हैं। सेकेंड है 95.9, उसको हम लोग 35.5 सेंटीग्रेड कहेंगे। 96.8 यानी कि 36 सेंटीग्रेड। 97.7 यानी कि 36.5। 98.6 जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, हम लोग उसको सेल्सियस में कितना उसको डिफाइन करेंगे, 37.0 या फिर 37 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 99.5 यानी कि 37.5। 100.4 यानी कि 38। 101.3 यानी कि 38.5। 102.2 यानी कि 39.0। 103.1 यानी कि 39.5 डिग्री सेल्सियस। 104 यानी 40 डिग्री सेल्सियस। 104.9 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कितना होगा, 40.5 डिग्री सेल्सियस। 105.8 यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस। 106.7 यानी कि 41.5। 107.6 यानी 42। 108.5 फ़ारेनहाइट, उसको सेंटीग्रेड में कितना बोलेंगे, 42.5। 109.4 जब उसको सेल्सियस में डिफाइन करेंगे तो 43 सेंटीग्रेड होगा। तो ये आप जाने एक फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच में क्या रिलेशन्स होते हैं, उसको हम लोग कितने फ़ारेनहाइट को कितने डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।